नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम डीप एनालिसिस करेंगे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, अभी इंग्लैंड में हीट वेव चल रही है। हीट वेव क्या होता है, जैसे भारत में हम लोग लू बोलते हैं, ऐसी वहाँ पर जब टेम्परेचर 30-31 के ऊपर जाता है, यानी कि समझ लीजिए 32 डिग्री सेल्सियस है, तो वहाँ पर हीट वेव बोला जाता है, क्योंकि वो ठंडी कंट्री है। भारत में जबकि 40-45 के आसपास जब जाएगा तब हम लोग बोलते हैं कि लू चल रही है, ठीक है, तो वहाँ हीट वे बोला जाता है। अब उस हीट वे से क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो रेलवे में पड़ रहा है। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी रेलवे ट्रैक होता है उसमें कोई भी सेक्शन होता है, उस सेक्शन को पर्टिकुलरली रेल बोला जाता है, टेक्निकल टर्म में उसे रेल बोला जाता है। तो जब दो रेल को जोड़ा जाता है तो वो नट बोल्ट के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है, उसके बीच वेल्डिंग नहीं किया जाता भारत में। जैसे कि आप जब रेलवे ट्रैक को देखोगे तो उसके बीच वेल्डिंग नहीं किया जाता, क्योंकि उसके बहुत सारे रीज़न हैं। जब गर्मी ज़्यादा पड़ेगी तो वो एक्सपांड होगा, फैलेगा, तो वो फैलने के लिए ज़रूरी है उस सेक्शन के बाद कि उसके लिए जगह बचे, ठीक है, क्योंकि भारत में गर्मी पड़ती है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा ठंडी पड़ती है। ठंडी पड़ने के कारण, गर्मी ज़्यादा ना पड़ने के कारण, जो ट्रैक है वहाँ पर ट्रैकों को वेल्डिंग किया जाता है। उससे फ़ायदा क्या होता है, उससे ट्रेनों की गति जो है वो कम नहीं करनी पड़ती, और साथ ही जो रेलवे ट्रैक है वो मजबूत भी हो जाता है, और साथ ही साथ ट्रेन की जो पटरी से उतरने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि आपने कोई जॉइंट नहीं दिया। पर अभी दिक्कत क्या आ रही है कि हीट वे के कारण उस पर्टिकुलर जॉइंट पर वेल्डिंग है थोड़ा वीक सेक्शन, तो वो एक्सपांड हो रहा है, फैल रहा है। फैलने की वजह से वो आगे पीछे हो रहा है, जिससे ट्रेनों की पटरी से उतरने की संभावना बढ़ रही है, इसीलिए वहाँ पर ट्रेनों की गति को कम कर दिया गया है। मुद्दा बड़ा इसलिए हुआ ये कि बाकी कंट्री के लोगों ने बोला कि हमारे यहाँ तो इतना टाइम पहुँचता है पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनका कहना ये था वहाँ के रेलवे मैनेजमेंट का कि हमारे यहाँ जो डिज़ाइन है वो 30 डिग्री के ऊपर के लिए डिज़ाइन नहीं है, क्योंकि उतना अधिक टेम्परेचर नहीं पहुँचता। अब कंडीशन ये आ रही है कि उस वेल्डिंग जॉइंट में प्रॉब्लम हो रही है, जिससे ट्रैक मुड़ रहे हैं और उसकी वजह से ट्रेनों की गति को कम किया जा रहा है। तो मुझे लगा दोस्तों कि ये थोड़ा सा डीप एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। हालांकि ये सारी चीज़ें ट्वीट में हुआ था कि जो रेलवे मैनेजमेंट के लोगों ने बात की या उनसे जो लोगों ने सवाल पूछा कि बाकी कंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, इंग्लैंड में ऐसा क्यों, तो इंग्लैंड वालों, इंग्लैंड की जो रेलवे सिस्टम है उन्होंने ऐसा जवाब दिया। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये वीडियो अच्छा लगा, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।